एंड उससे बड़ी कमाल की बात यह है कि मैं इस साल ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट करने वाला हूँ. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवनिंग. सब मूवी से ज़्यादा वेब सीरीज का सर ज़्यादा बोल वाला है. नहीं ऐसा तो नहीं है सर, क्यों बोल रहे हो? बस मतलब वेब सीरीज भी है, मतलब वो भी लोग देखते हैं, लेकिन मूवीज में भी यार बहुत मज़ा आता है. लोग थिएटर में जाते हैं एक साथ, क्या बोलते हैं, वो कम्युनिटी व्यूइंग वाला जो एक्सपीरियंस है, भले ही टमाटर पड़े या फूल बरसाए, उसका जो मज़ा है थिएटर में बैठ के फिल्म देखने का, मुझे लगता नहीं किसी भी घर पे बैठ के या कमरों में बैठ के वो मज़ा आता है. लेकिन OTT का तो ज़्यादा प्रमोशन रहता है. OTT की अच्छी बात ये है कि OTT जो है हमें एज क्रिएटिव आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता है, दैट वी कैन एक्सपेरिमेंट विद आर क्राफ्ट, वी कैन एक्सप्लोर जो चीज़ें हम शायद थिएटर में नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. बड़े बहुत बड़ा देश है हमारा, हर प्रदेश के लोगों को मतलब वो चीज़ें सही लगे उसके लिए हम सेंसर बोर्ड बनाते हैं. तो OTT में ये वाली चीज़ें फ़ायदा हो जाता है कि हम आप एक्सप्लोर करते हैं बिना टेंशन लिए, क्योंकि हर आदमी जो है वो रिस्पॉन्सिबल खुद है कि वो क्या देख रहा है. फिल्म इंडस्ट्री में है लेकिन आप कभी इफ्फी में नहीं आए, ऐसा आपने क्या किया गए साल कि इस साल आप डायरेक्ट होस्ट हो रहे हैं? सर वो क्या होता है ना कि वो कभी कभार होता है ना कि वही है थिएटर वाली बात, वेब सीरीज में इतना सारा काम किया किसी ने नहीं बोला. एक पिक्चर जो है वो पैसे कमा गए सर 800 करोड़. और जब ब्लॉकबस्टर होती है ना फिल्म तो सर ये सब चीज़ें हो जाती है, तो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है. कास्टिंग में आपको मजा आता है या एक्टिंग में मजा? सर कास्टिंग में तब मजा आता था जब मेरे पास पैसे होते नहीं थे, तो मुंबई में आप रहने के लिए कास्टिंग करता था, पैसा आता था, मजा आता था. लेकिन मजा मुझे सिर्फ एक्टिंग में आता है. बचपन से मैं एक्टर बनने का सपना देखा था, जो मेरे पापा को नहीं समझ में आया था, मम्मी को हमेशा समझ में आया था. और हमेशा से बॉम्बे जैसे शहर में आके कोई ये सपना तो लेकर नहीं आता है कि कास्टिंग डायरेक्टर बनने का, एक्टर बनने ही आया था. लेकिन वो बीच में कहीं पर कुछ साल मैंने कास्टिंग किया क्योंकि मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, भले ही आपको अपने मन का काम मिले ना मिले, लेकिन आप शिद्दत से जो भी काम करना चाहते हैं सिनेमा के लिए, आई थिंक वो आपको फिर देगी ज़रूर. और ये इफ्फी जो है वो सिनेमा को सेलिब्रेट करने का एक जरिया है. वेरी हैप्पी एंड प्राउड. सो सर एज अ होस्ट करके कोई लोकल वर्ड आपने सिखाए तो लोकल लैंग्वेज? सर ये आप जो है नहीं सर फिर भी और चक्कर के मेरी बीवी जो है वो बैंगलोरियन है, गोवन दोनों है. ओ यस. तो नहीं अभी तक सिखाया नहीं कॉन्क्रीट. आप पहली बार काम के चक्कर में गोवा रहे हैं? पहले भी आना था काम के चक्कर में. पहली बार काम के चक्कर काम के चक्कर. बाकी मैं जो है गोवा आता रहता हूँ. मेरा इनफैक्ट एक घर बन रहा है कोलबुरी में, डिफेंस कॉलोनी में. तो मेरी धर्मपत्नी बीना जो है वो आर्किटेक्ट है, तो वो बना भी रही है उस घर को. तो अगले साल मैं गोवा का बाशिंदा होने वाला हूँ. बेसिक हॉलीडे होम नहीं है? नहीं नहीं सर मैं रहूँगा, क्योंकि क्या है कि बम्बई में क्रिएटिविटी की थोड़ी चार दीवारी में ना बंद हो जाती है. तो आप गोवा रहें, और आजकल तो बहुत सारे कलाकार जो हैं वो गोवा में रह रहे हैं. मैंने सुना है कि अर्जुन रामपाल साहब भी रह रहे हैं, बहुत सारे राइटर्स रह रहे हैं, पहले भी बहुत सारे एक्टर्स गोवा में रहते थे. तो गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे लगता है कि क्रिएटिव माइंड्स के लिए बहुत जैसे कहते हैं एक तरह का एनवायरनमेंट. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.